हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रहमानी के में। सो गाइज, हम इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने बीपीएससी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए यानी पीआरओ रिक्रूटमेंट जो है 21-21 के लिए ऑनलाइन अप्लीकेशन निकाला है, जो कि इसमें टोटल पोस्ट जो है 31 पोस्ट है। इस वीडियो में आपको मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा कि इसमें कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको बात समझ में आए कि इस वीडियो के मतलब इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि बिहार यानी कि बिहार बीपीएससी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिस के लिए जो ऑनलाइन निकाला है इसकी अप्लीकेशन बिगिन यानी आप जो अप्लाई 16 फरवरी 2021 से स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्ट हो जाएगी और इसकी लास्ट डेट जो है 12 मार्च 2021 को रखा गया है। गाइस, जैसे ही आप ये ऑफिशियल वेबसाइट खोलोगे तो आपके सामने इस तरह का होम पेज आएगा। होम पेज पे जाना तो ये फ्रंट पे ही जो भी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया अभी लेटेस्ट में वो सब कुछ यहाँ पे शो होगा। और मैं ये ऑफिशियल वेबसाइट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ से भी देख सकते हो। तो मैं बात कर रहा हूँ ये वैकेंसी के बारे में जो कि यहाँ पे फ्रंट जो कि मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। और ये देखो इंपॉर्टेंट नोटिस है, तो मैं पूरी एक एक करके बताता हूँ इसमें क्या है। फिर यहाँ पे एडवर्टीजमेंट देख लेना और यहाँ पे जब करोगे तो इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन जो कि फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर कम डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए है और इसके एडवर्टीजमेंट नंबर 02/2021 है। सबसे पहले हम नोटिस देख लेते हैं गाइस। नोटिस में आपको मैं बता दूं कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से यानी बीपीएससी की तरफ से निकाला है, जो कि ऑनलाइन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 16 फरवरी 2021 से स्टार्ट की जाएगी और इसकी भरने की अंतिम तिथि जो है 12 मार्च 2021 को रखी गई। ये देखो www.bpsc.bih.nic.in ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप डायरेक्टली जा करके आप अप्लाई कर सकते हो। ये जो है एक पेज का नोटिस था। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन के बारे में, पूरी डिटेल में बताते हैं कि देखो बिहार लोक सेवा आयोग जो कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है अनारक्षित वर्ग के मतलब कि जनरल वालों के लिए और एससीएसटी वालों के लिए सभी मिलाकर के जो है 31 पोस्ट है। और यहाँ पे महिलाओं के लिए भी कुछ यहाँ पे आरक्षण वगैरह भी दे रखा है, उनके लिए भी कुछ सीट अवेलेबल है जो कि यहाँ पे टोटल यहाँ पे बताई है 9 सीट। और मैं आपको बता दूं गाइस, ये जो है देखो अगर कोई कैंडिडेट मतलब कि हैंडीकैप वगैरह में आते हैं, वीआई विजुअल जो है या फिर ओएच है अस्तित्व विकलांग वगैरह, तो उनके लिए भी कुछ सीट अवेलेबल है यहाँ पे जो कि रिजर्वेशन कोटा है। और यहाँ पे देखो वेतनमान जो है अगर हम थोड़ी से सैलरी की बात करें तो यहाँ पे जो है लेवल 9 का दिया जाएगा। इसमें जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय उससे संबंध संस्था से स्नातक अथवा उसके समकक्ष डिग्री यानी आपके पास जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए तभी इस के लिए एलिजिबल। इसके साथ साथ जो है विश्वविद्यालय उससे संबंध संस्था से पत्रिका यानी कि जर्नलिज्म में होना चाहिए डिग्री, इन जर्नलिज्म में मास कम्युनिकेशन में होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कर रखे हो ये कोई मायने नहीं रखता। तो आप अपने देख लेने अकॉर्डिंग कि आपका जो है ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन में है या नहीं है तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस वैकेंसीज। सो यहाँ पे आप गाइस पूरी डिटेल में देख लेना। और अगर हम थोड़ी सी बात करें गाइस थोड़ी सी चयन प्रक्रिया का, तो चयन प्रक्रिया जो है यहाँ पे दे रखा है जो कि आप पढ़ लेना। और यहाँ पे सिलेबस अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो हिंदी संक्षेपण, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से यानी कि ट्रांसलेट करना होगा जो कि यहाँ लेख 25 अंक का होगा और 100 नंबर का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। फिर यहाँ अंग्रेजी लेख होगा मतलब कि ऐसे लिखना है इंग्लिश में, फिर संक्षेपण है ऐसे टाइप का लिखना है, कंप्रेहेंशन वगैरह रहेगा, तो ये भी टोटल 100 मार्क्स रहेंगे, 3 घंटे का पेपर होगी। और ये समसायिक घटनाओं का सामान्य ज्ञान होगा जो कि 200 मार्क्स का होंगे और 3 घंटे के पेपर होंगे। तो ये पूरी डिटेल में देख लेना, यहाँ पे सब कुछ 5 दिया गया यानी कि टोटल आपको जो है 1, 2 और 4, 2, 8 मतलब 800 जो है आपके टोटल मार्क्स होंगे और आप जो लो 15 घंटे का आपका पेपर होगा। किस तरह से होगा ये पूरी तरह से इसमें बता दिया गया है इस वीडियो में। यहाँ पे देखो मौखिक जान लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चयनित यानी कि अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हो तभी आपका जो है मेरिट बनेगा और उसके बाद मौखिक जांच हेतु आमंत्रित किया जाएगा, फिर आपको मतलब कि बुलाया जाएगा, उसके लिए अलग से निर्धारित होगा। तो गाइस इसमें जो है आप पूरी तरह से देख लेना, यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म भी दिए गए हैं जो कि यहाँ पे आप फॉर्म में यहाँ पे खुद सेलेक्ट करोगे। अगर आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो तो एससी करना, शेड्यूल ट्राइब से करते हो तो एसटी करना, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ईबीसी, ये शॉर्ट फॉर्म में वहाँ पे नाम आएगा फॉर्म में। तो गाइस ये आप देख लेना। और इसमें एप्लीकेशन बिगिन जो है जनरल ईबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 750 रुपीज लगेगा जो कि यहाँ पे दे रखा है गाइस। यहाँ पे देखो इसमें भी बता दिया गया है
यहाँ पे देखो 750 रुपीज लगेंगे, और बाकी जो है बिहार डोमिसाइल फीमेल कैंडिडेट के लिए यानी जो बिहार से महिला जो है बिलोंग करती है उन्हें 200 पे करना होगा। अगर आदित्य स्टेट की महिलाएं अगर फॉर्म अप्लाई करती है तो उन्हें फिर 750 ही पे करना होगा। आप जो है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बैंकिंग थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो गाइज इस ये नोटिफिकेशन जो है इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पूरी तरह से पूरे एक एक स्टेप पढ़ लेना। देखो यहाँ पे किस तरह से करेंगे, फॉर्म अप्लाई सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। फिर भी अगर अभी आपको कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। इस वीडियो में आज मैंने बात की बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, जो कि और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन आ चुकी है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और अगर इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है अब तक जल्दी से पहुंचेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड शेयर कीजिए, और अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट रहा है, मतलब आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए।